हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस द एसएस इलेक्ट्रिक में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए, आज हम दिखाएंगे एक एसी जो स्टेबिलाइज़र है उसको कनेक्शन करके, ठीक है। तो ये एक एसी स्टेबिलाइज़र है, ये 90 से ऑटोमेटिक है, 90 से वोल्टेज को खींच के बढ़ा देगा, ठीक है। तो ये बहुत भारी भी है और बहुत बड़ा भी है, ठीक है। तो देखते जाइए कैसे इसको अनबॉक्सिंग करके फिटिंग का जो काम होता है वो करेंगे, ठीक है। थोड़ा फास्ट दिखाया है क्योंकि बहुत लंबा हो जाता, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका कॉर्ड है, देखिए ये स्टेबलाइजर का कॉर्ड है। और खोलने के बाद ये एक क्लैंप पे अटका रहेगा, वो देखिए इसका जो क्लैंप है वो है। तो क्लैंप को पहले दीवार पे सेट कर लेना होगा, उसके बाद इसका जो दाग होता है वो पेंसिल से, स्क्रू का जो दाग है वो पेंसिल से ले लेना है, उसके बाद ड्रिल मशीन से होल कर देना है, ठीक है। तो अब ड्रिल मशीन से होल करेंगे, देखिए ड्रिल मशीन से होल करके उसके बाद वुडन का जो पैना होता है वो घुसा के स्क्रू को टाइट कर देना है, ठीक है। तो एसी भी बैठा हुआ है, देखिए एसी भी बैठा हुआ है। तो देखते जाइए दोस्तों, बड़ा ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए हो तो, और लाइक भी कर दीजिए एक, इससे मेरा इंस्पिरेशन जो है, मोटिवेशन जो है वो थोड़ा बढ़ जाएगा वीडियो करने का, ठीक है। इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। तो देखिए अभी वुडन का जो पैना है वो हम दीवार पे सेट कर लेंगे, ठीक है। होल तो कर दिया हूँ, अभी वुडन का जो पैना है वो दीवार पे सेट कर लेना है। तो अभी जो क्लैंप था स्टेबलाइजर का वो स्क्रू को दीवार पे लगा देना है। बड़ा बड़ा स्क्रू है, 2 इंच का, देखिए थोड़ा धीरे बैलेंस करके मारना होगा क्योंकि स्क्रू जो है वो बैलेंस करके मारना होगा क्योंकि स्क्रू जो है वो बिगड़ जाता है। देखते जाइए दोस्तों, बड़ा ही सिंपल काम है, सोचने पे बहुत मुश्किल लगता होगा लेकिन बहुत ही सिंपल है। तो ये है इसका जो टॉप होता है स्टेबलाइजर का, ये बहुत ही सिंपल है। एक टॉप को कनेक्शन करना, लाइन साइड पे लाइन देना है, न्यूट्रल साइड पे न्यूट्रल देना है और अर्थ पे अर्थ, ठीक है। ये जो टॉप है स्टेबलाइजर का ये कनेक्शन हो रहा है, तो हो चुका है कनेक्शन। देखिए अभी जो स्टेबलाइजर का कनेक्शन है वो भी हम दिखाएंगे, देखिए अभी टॉप जो है वो लग चुका है, थोड़े ही समय की बात है टॉप जो है वो लग चुका है। अभी स्टेबलाइजर का कनेक्शन हम दिखाएंगे, बहुत ही सिंपल बात है। तो देखिए ये है स्टेबलाइजर का कनेक्शन, देखिए यहाँ पे लाइन का एल, न्यूट्रल का एन और अर्थिंग का ग्राउंड अर्थ का जी भी लिखा हुआ है ग्रीन करके आउटपुट, ठीक है। तो इस पे आउटपुट एसी का जो आउटपुट है उसका जो रेड वायर होता है वो लाइन पे दे देना है, देखिए हम दे रहे हैं, ठीक है, वो लाइन पे दे देना है। देखिए हम दे रहे हैं और न्यूट्रल का जो वायर है वो भी हम दे रहे हैं, देखिए ये न्यूट्रल का वायर है,
और उसके बाद अर्थिंग का जो वायर है वो भी देंगे। ओके, तो आप देखते जाइए। आशा करता हूँ कि पूरा जो एसी का स्टेबलाइजर लगाने का काम है आप सीख चुके होंगे, ठीक है ना। तो देखिए अर्थ का जो कनेक्शन है वो भी ऑलमोस्ट लग चुके हैं, ठीक है। अर्थ का कनेक्शन भी ऑलमोस्ट लग चुके हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल काम है, कोई दुविधा भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो देखिए एसी भी चल रहा है और स्टेबलाइजर भी ऑन है, वोल्टेज भी दिखा रहा है, ठीक है।